हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू मिथिला के नंदन ब्लॉग्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद जा रहा है। द रीज़न इज़ दैट कि लास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं कहीं घूमने गई थी, जिसका स्टेटस मैं भी आपको आगे शेयर करूँगी मैं कहाँ गई थी। आज मैंने अपना सारा काम कम्प्लीट कर लिया है और काम कम्प्लीट करने के बाद मैं लग गई अपनी मधुबनी पेंटिंग में। सो मेरे मधुबनी पेंटिंग का स्टेटस ये है कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर करा था कि मैं सन यानी सूर्य की मधुबनी पेंटिंग कर रही हूँ और मैंने इसे मैं स्केच करना स्टार्ट किया था। तो अभी फिलहाल वो 80% कम्प्लीट हो चुका है एंड द स्टेटस इज लाइक दिस। ये अभी इतना कम्प्लीट हो चुका है और 20% और कम्प्लीट हो रहा है, जो कि आई सपोज या आई थिंक आज मैं कम्प्लीट कर लूँगी और इसका फाइनल लुक मैं अपने फेसबुक के शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। प्लीज़ गो एंड लाइक इट। मधुबनी पेंटिंग एक आर्ट ही नहीं, ये कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मधुबनी पेंटिंग के आप किसी भी पेंटिंग को डालो, वो कुछ ना कुछ मैसेज देता है या फिर वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कोबर पेंटिंग जो मैंने सबसे पहले पेंटिंग करी थी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। वह पेंटिंग को हम बिहारी शादियों में एक बहुत बड़ा रिचुअल मानते हैं जो कि हमें करना ही होता है, वो हम स्किप नहीं कर सकते। एंड कोबर पेंटिंग बनाने का जो मेन मैसेज ये होता है कि हम न्यूली वेड कपल को बेस्ट विशेज देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनकी शादी बहुत ब्यूटीफुल रहे। अगर आप कोबर पेंटिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स को भी चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोबर पेंटिंग में हम शिव पार्वती बनाते हैं, सन मून केले का पेड़, ब्राइड जो या दुल्हन जो डोली पे सवार है वो सब बनाते हैं। उसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं। शिव पार्वती बनाने का मेन ये होता है कि हम न्यूली वेड को विश करते हैं कि वो उनकी शादी बहुत ही अच्छी रहे, शिव पार्वती जैसी स्ट्रांग रहे। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमारा प्लान बना रॉकी माउंटेन के सिपक जाने का। वैसे तो डेनवर पूरे आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डेनवर इज कवर्ड विद रॉकी माउंटेन्स, और रॉकी माउंटेन्स में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां आप जाके घूम सकते हो। तो हमारा प्लान इस बार बना एसटी पार्क जाने का। ये जो स्पॉट है ये हमारे को ऑन द वे पड़ा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जहाँ पे लोग रुक के फोटोग्राफ्स और वीडियो भी बना रहे थे और हमने भी डिसाइड किया कि हमें भी इसका मज़ा लेना चाहिए। यू नो इस ये वीडियो ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा इसके ब्यूटी को, बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं सिंगापुर में हूँ, बिकॉज हमने DDLJ देखा है। वो सीन जहाँ पे शाहरुख खान बाइक राइड कर रहा है और काजोल बाहर खड़ी है, सो बस वैसा ही लगा हमें और फिर हम आगे निकल गए। कोलोराडो इज़ फेमस फॉर रॉकी माउंटेंस। आप कभी भी गूगल सर्च करते हो तो आपको हमेशा एक पहाड़ का फोटोग्राफ आएगा एंड वो एक्चुअली रॉकी माउंटेंस है। तो सर्च इंजन पे भी अब जब भी जाओगे कोलोराडो इज इक्वल टू रॉकी माउंटेंस। यहाँ की एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी तो आपको बहुत देर तक आधे घंटे एक घंटे तक सिर्फ पहाड़ पर्वत या फिर बहुत बड़ा ग्राउंड दिखेगा, खेत दिखेगा, लेकिन फिर कुछ ही एक घंटे के डिस्टेंस पे आपको फिर एक प्रॉपर सिटी दिखने लगेगा जहाँ पे आपको सारे शॉप्स मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, अभी आप छोटे छोटे घर देख रहे थे और ये प्रॉपर घर है और बहुत ब्यूटीफुल घर है, और फिर अब ये एरिया स्टार्ट होता आता है जहाँ से सिर्फ आपको पहाड़ और पेड़ दिखेंगे। US की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ बर्ड मिलते हैं, जानवर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, नॉट ख़तरनाक वाले जानवर, नॉर्मल जानवर आपको रास्ते में मिल सकते हैं। और ये देखिए अभी अब आपको नदी भी देखने को मिल गया, ये यहाँ का स्पेशलिटी है। अगर आपको कुछ भी देखना हो, चाहे पहाड़ देखना हो, चाहे नॉर्मल खेत देखना हो या फिर नॉर्मल नदी देखना हो, तो आपको सब मिल जाएंगे। ये हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही रहे थे। यहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे, जो हम पोस्टर्स में देखते थे या मूवीज़ में देखते थे वो सारे व्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे।
ये हमारे डेस्टिनेशन से पहले एक पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हो ये व्यू मिलता है, और एक स्पॉट है जहाँ पे लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं अगेन, और यहाँ पे आपको गिलहरियाँ मिल जाती हैं जिनको आप फीड कर सकते हो। ये मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, ये आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पहाड़। ये फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, यहाँ पे हमने गाड़ी बाहर पार्क की थी और फिर हम ये वॉक करते हुए आ रहे थे। ये भी एक अगेन अनदर स्पॉट है जहाँ पे आप फोटोग्राफ ले सकते हो। आई वॉज बिजी इन रिकॉर्डिंग, तो मेरा तो कहीं भी रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को ही कैप्चर कर लूँ। ये मैंने लेके साइड में अपना नाम लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। फिर हमने बोटिंग बुक किया 4-सीटर, जो हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ आए थे उन्हें भी ये करने का बहुत मन था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था बिकॉज स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन ये लाइफ जैकेट पहना हुआ था और सबने मुझे बोला कि तुम डूब नहीं पाओगे, सो फिर मैंने बहुत इन्जॉय किया। और ये देखिए कितना ब्यूटिफुल सीन अगेन। मैं अपना तो ज़्यादा क्लिप नहीं ले पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड का ही ले लूँ। ये क्लिप मेरे फ्रेंड ने लिया था जो हमारे साथ आए थे, और ये मैं बहुत दूर से हाई करते हुए उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरा एक वीडियो ले लो। फिर हम थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बोटिंग किया, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए बगल के ही मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। 5 मिनट की ड्राइव थी और फिर हम यहाँ पहुँच के पार्क किया गाड़ी और फिर निकल गए पैदल। यहाँ पे मोस्टली मेरे को ऐसा फील होता है कि आप जितना पैदल घूमो वो ज़्यादा बेटर है, आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। यहाँ की एक और खासियत है कि समर में आप जिधर भी नज़र दौड़ाओगे आपको बहुत ब्यूटीफुल फूल मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे। ये एक्चुअली विंटर में यहाँ पे आपको सिर्फ बर्फ़ देखने को मिलता है, और समर में सिर्फ आपको फ्लावर और प्लांट्स देखने को मिलता है। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा खासकर समर में यहाँ पे, ये मैं सिर्फ कोलोराडो की बात कर रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट दी अदर स्टेट एंड सिटीज़। यहाँ पे आपको गर्मियों में जगह जगह पे प्लांट दिखते हैं, प्लांट्स भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स। और हमारे जो फ्रेंड थे उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ठंड में तो बर्फ़ से ढक जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वो खुद ब खुद ही खिलने लगते हैं। आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारे प्लांट्स की रिकॉर्डिंग करी है, बिकॉज जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता था, और अब मुझे हर एक जगह पे ही सिर्फ प्लांट ही प्लांट दिखते हैं। यहाँ पे आप शॉप्स देखो, मैंने बाहर से लिया, स्पेशली इस शॉप का इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल स्टोन्स थे। आई थिंक वो सारे स्टोन्स जो लकी स्टोन्स कहलाते हैं वो उनका डिस्प्ले था, और हम तो नहीं गए अंदर बिकॉज हमें शॉपिंग नहीं करनी थी। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और फिर हम आगे बढ़ गए, तो हम बेसिकली मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ठंड में मर जाते हैं और फिर खिल जाते हैं, वो यही प्लांट था जो मैंने आपको भी दिखाया। यहाँ पे ये एक स्पॉट अगेन था जो कि आई थिंक मिनी गार्डन बनाया हुआ था इन्होंने, और ये व्हील जो आप देख रहे हो ये इस गार्डन को इन्हांस कर रहा था। आप कह सकते हो कि इंस्टाग्राम साइट था जहाँ पे आप फोटोग्राफ ले सकते हो, चिल आउट हो सकते हो। हम तो वैसे भी शाम में पहुँचे थे तो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और फिर ये लास्टली मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक शॉट तो मेरे साथ ले लो, क्योंकि पूरे वीडियो में कहीं भी मैं नहीं दिखती क्योंकि मैं ही रिकॉर्ड करती रहती हूँ और मैं कभी ले भी नहीं पाती। और फिर ये US फ्लैग के साथ मेरी फ़ोटोग्राफ जो कि बहुत दूर से थी।
फिर ये लास्ट स्पॉट विजिट करने के बाद हम घर की ओर निकल गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी शाम के 8 बज रहे हैं। यहाँ अंधेरा 9 बजे तक होता है, पर हमारा घर यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे था तो हमें निकलना ही था। ये कुछ क्लिप्स मैंने लगाया है जस्ट टू शेयर विथ यू ऑल गाइस। होप यू हैव लव माई ब्लॉग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।